हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। और हम काम पे लग गए हैं, जो डेली का काम होता है। और फ्रिज का ऊपर तो हम डेली कर नहीं पाते हैं, तो आज हम कर रहे हैं साफ, क्योंकि हवा के कारण हम खिड़की बंद रखते हैं ना खाना बनाने टाइम, तो भाप सब आ जाता है। तो हम अच्छे से साफ कर लेंगे। ऊपर कवर लगा रहता है, ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी हम सोचे आज बहुत दिन हो गया, कर लेते हैं साफ। और ये जो सामने वाला डोर है उसका, वो तो कॉलिन से बराबर होते ही रहता है साफ, हम कर लेते हैं। कॉलिन डालते हैं आप, बस टावल से पोंछ दिए, किचन टावल से। और पूरे किचन को आज क्लीन करने वाले हैं, दीवार सब भी। ठंड में बहुत आलस लगता है ना, तो थोड़ा दिन पे ही करते हैं आजकल, जब से ठंड आया है। मेरा फ्रिज चमक गया है, थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं, सब में भी धूल आ जाता है। आज सुबह का सारा काम हो गया है, और यही सब रखा हुआ था, सब्जी कल का ही मेरा सुबह का ही लाया हुआ था, शाम में सब झूला से निकाल के रख दिए थे, उसी को एडजस्ट करना है। और वो गाजर मोटा वाला चुन चुन के रख लिए हैं हम, उसको छील के उसका हलवा बनाना है। और पतला वाला जो था उसको साइड करके रख लिए हैं कि सलाद में और ऐसे खाने में होगा। और हाँ, ये पेपर ना हमको बहुत काम आता है, इसलिए हम किचन में पेपर भी रखते हैं। टिश्यू पेपर सब नहीं रखते हैं, ख़त्म हो जाता है तो हम जल्दी नहीं मंगाते हैं, ऐसे हो जाता है काम मेरा। और ये तेल, किचन का जो यूज करने वाला सामान है, वो सब भी हम निकाल निकाल के रख लेंगे, जो स्टोर करके रखते हैं वहीं से, हम दुकान से नहीं मंगाते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ दूर में है दुकान, और यहाँ अगल बगल महंगा भी बहुत देता है, यहाँ तक कि हम सब्जी भी नहीं मंगाते हैं, खरीदते हैं यहाँ से, मंगाते हैं मार्केट से ही। और सरसों तेल के डब्बा के नीचे हम ये पेपर डाल देंगे, ये रिफाइंड ऑयल का डब्बा है, इसको भी साफ कर लेते हैं। और इधर बच्चा सब क्या बोल रहा था वही सुन रहे थे। और आज मेरा कुछ सामान भी आने वाला है, अभी मैसेज आया था, हमको पता भी नहीं था, आपको दिखाएंगे लास्ट वीडियो। वही फोन आया था उसका, कुरियर वाला का, ये देखिए मीशो से कुछ आया है, हमको इसके बारे में जरा भी पता नहीं था, है ना। घर में किसी को पता था, मेरे हस्बैंड ही कर दिए थे, वो ये तो घर पे वो नहीं है, तब हम पूछे तो बताई कि मेरे लिए ही कुछ है उसमें, दिखाते हैं आप लोग को थोड़ा देर में। अभी हम झाड़ू दे देंगे पूरा, ये सब साफ हो गया है, चावल भी हम फूलने दे दिए हैं। और आज सिंपल सा खाना बनाना है, आलू और बंधा गोभी का सब्जी। ये देखिए ये भी उबल गया है, उधर कर रहे थे और इधर हम चढ़ा भी दिए थे, खाना गैस पे रख दिए थे, बन रहा था और देख रहे थे काम के साथ साथ ये भी। ये देखिए आलू भी उबल गया है, और इसमें चावल, और बर्तन भी धुल गया है, सुबह वाला चाय सबका भी।
ये भी साफ हो गया, दीवार भी देखिए कितना क्लीन हो गया, सिंक मेरा साफ हो गया, सारा किचन चक हो साफ एकदम चकाचक हो गया। अब हम नहाने के बारे में सोच रहे हैं कि चलते हैं अब नहाने के लिए। और आजकल हम नहाने में ये बेसन का फेस पैक यूज कर रहे हैं, इसको आप फेस पे, हाथ पैर, बॉडी कहीं भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम यही लगाते हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। आप लोग देखे होंगे मेरे मुंह में कितना दाग धब्बा, अगर आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे, पहले वाला तो बहुत पहले का, तो मेरा फेस पे पूरा दाग धब्बा था और अच्छा खिला खिला नहीं लगता था। अभी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, हम यही यूज कर रहे हैं। 2 चम्मच बेसन दे दिए, चना दाल का है, और 2 चम्मच दूध भी डाल देंगे। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गर्म ठंडा, और इसमें एलोवेरा जेल भी डाल देंगे, और 7-8 बूंद ग्लिसरीन भी डालेंगे, 1 चम्मच एलोवेरा डाल देंगे। थोड़ा सा चीनी भी डाले थे 1 चम्मच, आप शहद भी डाल सकते हैं, और नींबू डाल देंगे थोड़ा सा। हम यही सब करके घर पे अपना चेहरा ठीक कर लेते, क्या करेंगे, साफ हो जाता है, ये नेचुरल है, घर का होममेड है। थोड़ा सा नारियल तेल बरका हुआ तो नहीं था, ऐसे निकाले, थोड़ा सा दूध गर्म है हल्का सा, घुल जाएगा। नींबू भी डाल दिए, और हम फेस पे लगा लेंगे 5 मिनट के लिए, तब तक कपड़ा मेरा फूल रहा है उसको धोएंगे फेस पे लगा के, तब हाथ पैर पे लगा के नहा लेंगे, और चेहरा खराब हो गया था, काला काला दाग धब्बा हो गया था, और अब हम आ गए हैं नहा के, यही आया है। दिखाते हैं आप लोग को, ये देखिए हम पहन ले भी लिए, बहुत अच्छा लग रहा था, सॉफ्ट सॉफ्ट, और दिखा रहे हैं हम अपने फेस को, पहले के मुकाबले देखिए ठीक लग रहा है, साफ भी लग रहा है, और दाग धब्बा भी गायब हो रहा है लगभग, और अच्छा फील हो रहा था एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। ये भी जरूर ट्राई कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट शेयर किया कीजिए। थोड़ा सा कोल्ड क्रीम भी लगा लेते हैं, तब हम पूजा करने जाएंगे, और बस सब्जी सिर्फ बनाना, उबला हुआ तो है ही सब कुछ। अब बाल झाड़ना है थोड़ा सा, नारियल तेल भी हम हाथ पैर में लगा लेते हैं, नारियल तेल ही, ये ब्राउन कलर है, ठीक ही लग रहा था, पहन के देखते हैं कुछ दिन कैसा रहता है। हो गया है पूजा पाठ, हम किचन आ गए हैं और सब्जी बना लेते हैं। चूड़ा हम नाश्ता कर लिए थे, थोड़ा देर बाद ही हम आए किचन, चूड़ा बादाम हम लोग नाश्ता कर लिए थे सब, और वही चिप्स बना रहे हैं।
प्याज निकाल लेंगे और जीरा और प्याज का फ़ौरन डाल देंगे। टमाटर है ही पका हुआ, उसको भी डाल देंगे और मसाला सब कुछ है। आज हम कुछ नहीं पीसेंगे, बहुत थक गए हैं डेली से ज़्यादा, क्योंकि वो दीवार सब साफ करना हो जाता है ना। सिर्फ छोटा सा एगो वेंटिलेटर है और बस खिड़की है, तो खिड़की तो अभी ठंड में ज़्यादा नहीं खोलते हैं, बंद ही रखते हैं, बहुत हवा आता है। और अब इसको तल लेते हैं थोड़ा जल्दी से, रख लिए और उसमें दे दिए सब्जी में सब कुछ, नमक सब। मेरा पूरा गर्म हो गया था देहात अच्छा से, हमको नहीं लगा था कि इतना अच्छा लगेगा, हम सोच रहे थे पता नहीं कैसा लगेगा। और आप लोग को दिखाते हैं, ये है मेरा टमाटर प्याज, पूरा कलर लाइट आ रहा होगा। अब बंधा गोभी और आलू अब इसमें डाल देते हैं। ये हो गया सब्जी, जो पानी इसका था बंधा गोभी का, उसको अच्छे से धो के डाले थे, तो वो थोड़ा सा पानी डाले थे तो रख दिए, इसी में डाल देंगे। और यही तल रहे थे हम, तब तक 5 मिनट इसको ढक के पकाएंगे सब्जी को। और इधर जो है हल्का फल्का गंदा हुआ है जो किचन, उसको साफ कर लेंगे, और थोड़ा बहुत बर्तन सब भी है उसको भी साफ कर लेंगे। और आज हमको जिस कढ़ाई को धोना है रगड़ रगड़ के पूरा साफ करना है, 4 दिन हो जाता है ना बस, उससे नहीं होता है विम जेल से, कढ़ाई लोहा का है ना, सिर्फ चिपचिपाहट हटता है लेकिन कालापन दूर नहीं होता है, पूरा रगड़ते हैं। तो आज पूरी तरह से उसको वाइट करना है हमको, सब कुछ अपने अपने जगह पे पहुंचा देंगे और क्लीन कर लेंगे। सलाद भी नहीं काटे हैं और नहीं काटेंगे, ऐसे खा लेंगे, बहुत थक गए। देखिए मेरा कढ़ाई बर्तन तो धुल गया है, ये देखिए, ऐसा नहीं होता है, ऐसे साफ करते हैं डेली तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है। और ये है मेरा आज का खाना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। आप लोग ख्याल अपना रखिएगा और आप लोग भी खाना खा लीजिए, बाय।